और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, फैसले की घड़ी करीब आन पहुंची। एफएटीएफ का वर्चुअल इजलास 21 अक्टूबर को होगा, जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना चाहिए और इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली तावुन के खिलाफ इस्लामाबाद की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एफएटीएफ प्लेनरी इजलास जून में होना था, लेकिन आलमी वबा के बाइस पेश आने वाले सेहत के संगीन मामलों के बाइस मालियाती जराइम की रोकथाम के आलमी इदारे ने तमाम जायजे और डेटा लाइन्स आरजी तौर पर तवी कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को एफएटीएफ की शराइत पर पूरा उतरने के लिए मजीद 4 माह का वक्त मिल गया था। 16 सितंबर को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एफएटीएफ की शराइत के मुताबिक कानूनी नाम को आलमी मयार की सतह पर लाने के लिए 15 कवानीन में तरमीम की गई। हुकूमत एफएटीएफ और इससे मुंसलिक जायजाती ग्रोह को 13 बकाया निकात पर मुतामील की तफसील जमा करवा चुकी है और इनके तबसरों पर जवाब भी दे चुकी है। बेहतर कानून साजी की बुनियाद पर हुकाम को तवक्को है कि वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से बाज़ाब्ता इखराज न मिले तो कम अज कम 10 निकात पर बड़ी हद तक अमल दरामद करने वाला कहा जाएगा। तहम अब ये एफएटीएफ के जायजे पर मुनहसिर है।